जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट एनालिसिस, यानी कि शॉर्ट विश्लेषण को जानेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो विद्यालय प्रबंधन एवं स्कूली शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के BEd सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, जिसकी पहली यूनिट हम देख रहे थे और उस पहली यूनिट की ये लास्ट पॉइंट है शॉर्ट एनालिसिस यानी कि शॉर्ट विश्लेषण। इसके पहले दो आपको, जैसे मैंने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में तीन टॉपिक है। पहला था स्कूल प्रबंधन, दूसरा था क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम प्रबंधन, थर्ड था शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट विश्लेषण। तो ये दोनों ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं शॉर्ट एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में शॉर्ट विश्लेषण कहते हैं। जनरली ये है क्या, देखिए ये जो टॉपिक है ना, वो किसी स्कूल पर्टिकुलर से नहीं है। ये आप जनरली अपने लाइफ पे भी कर सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, अगर आप किसी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का एक ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट विश्लेषण। वास्तव में इसमें कहते क्या हैं, आइए ज़रा समझते हुए चलेंगे, और एग्ज़ाम्स में अगर आपको आता है तो लिखना कैसे ये भी हम क्लियर करेंगे। शॉर्ट दोस्तों ये चार लेटर्स, चार अक्षरों से मिलकर बना है। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, जिसे हम शक्ति कहते हैं, वेयर W मीन्स वीकनेस, जहाँ पे हमारी कमजोरी होती है, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौका, यानी कि अवसर, और T फॉर थ्रेड यानी कि समस्या, यानी कि डर। तो ये चार शब्दों से मिलकर बना है शॉर्ट एनालिसिस। वास्तव में हम क्या करते हैं, लेट सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने जीवन में करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को लेके एक शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। जैसे मैं अगर अपने जीवन को लेके शॉर्ट एनालिसिस करूं, तो मैं देखूंगा कि मेरी लाइफ की स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको करने में मुझे अच्छा लगता है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसे करने में मुझे प्रसन्नता होती है, वो क्या ऐसी चीज़ें जिसे मैं बेहतर कर पाता हूँ, जो मेरी ताकत है, और वो क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को पसंद आती है, ठीक है, जिससे लोग तारीफ करते हैं, जिससे लोग मेरी तरफ जुड़ते हैं। तो वो हमारी स्ट्रेंथ हो गई। जैसे मैं अपनी तरफ मैं बोलूँ तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है टीचिंग, ठीक है, तो टीचिंग मेरा एक स्ट्रेंथ पॉइंट हो जाएगा। उसमें स्पीकिंग जो है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं मानता हूँ, मैं मुझे कहीं जैसे बोलना हो, कहीं स्पीच देना हो, कहीं बातें करना हो, तो उसमें मुझे डर नहीं लगता। तो दिस विल बी माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि चलो ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं, मेरी टीचिंग स्किल्स है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, और मुझे बोलने में डर नहीं, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, आप अपनी लाइफ को लेकर। दूसरा वीकनेस, अगर आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपका वीकनेस क्या है, वो कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप खुद को वीक फील करते हैं। जैसे मैं पर्सनली अगर मुझे आप मुझे बोलोगे तो मुझे ना जैसे कल्चरल एक्टिविटी, जैसे डांस, डांस मुझे बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज पसंद है, स्पीकिंग टर्म मेरा बहुत अच्छा है, जैसे स्पीच देना, ये सब बात, नाटक वाटक करना, लेकिन मुझे डांस नहीं आता, ये मेरा वीकनेस है, तो मैं इसको मानता हूँ। दूसरी बात राइटिंग टर्म, जैसे राइटिंग में मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आप मुझे कह दीजिए कि, हालांकि एग्ज़ाम में लिख लेते हैं, मगर एग्ज़ाम के अलावा अगर आप कहिए तो मुझे, मतलब इस चीज़ से मैं बचता हूँ, मतलब लिखने का मुझे बहुत इतना शौक नहीं, तो ये मेरा वीकनेस है। दूसरा दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़, अब अपने स्ट्रेंथ को लेके और अपने वीकनेस को लेके आप देखेंगे किस फील्ड में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, किस फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी एनालिसिस करूँ तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर स्पीकिंग टर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता हो, जैसे ट्यूशंस टीचर्स हो गए, या फिर ट्रेनर हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई भी चीज़ें, रिपोर्टिंग हो गया, वीडियो बना, तो ये आप वहाँ पे मैं अपने आप को सेट कर सकता हूँ, वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। थ्रेट डर क्या है, समस्या क्या है, अगर जो हम प्रोफेशन या जो अपॉर्चुनिटी चूज़ कर रहे हैं उसमें आगे चल के क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव है, क्या डर, गलत से गलत होगा तो क्या होगा, इस सारी चीज़ों को एनालिसिस करना। तो ये आप एक करियर पे भी कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चूंकि आपके BEd में है तो हम स्कूल टर्म को लेके बात करेंगे। अगर आप स्कूल का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, लेट्स सपोज आपका बस चैप्टर खत्म, यही आपको समझ जाना है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। अगर आप स्कूल को शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपके पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अच्छे हैं, आप जिस एरिया, जिस लोकेलिटी में आपका स्कूल है वहाँ पे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, नंबर्स ज़्यादा हैं उनके, या फिर ये हो सकता है कि आपका स्कूल फेमस है, या फिर ये हो सकता है कि आपका स्कूल अच्छा रिजल्ट देता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, आपके स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, आपके स्कूल में जो टीचर हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकती है। सिमिलरली इन्हीं में से कोई आपकी वीक पॉइंट हो सकती है कि हमारे यहाँ वीक पॉइंट ये है कि हम देखो पढ़ाई तो अच्छा करते हैं लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं,
पढ़ाई तो हम अच्छा करते हैं लेकिन बच्चे पंक्चुअल या बच्चे अच्छा आउटपुट नहीं, तो यहाँ पे आपका एक वीक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, आप अपॉर्चुनिटी कैसे तलाशेंगे। इन्हीं स्ट्रांग और वीक को आप एनालिसिस करके आप देखेंगे कि आपके स्कूल का आगे क्या मौका है, आपके स्कूल्स का आगे क्या अवसर है, आप कहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कमियों को दूर करेंगे और अपनी मजबूती पर और ज़्यादा काम करेंगे। और दूसरा दोस्तों, थ्रेड यानी कि डर क्या है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर हम इस चीज़ को करेंगे, तो इसी चीज़ की आपको क्या करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है। दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे आपका शॉर्ट एनालिसिस समझ में आ गया और यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि तो सुनने और बोलने में तो अच्छी बात है लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है। तो शॉर्ट एनालिसिस अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप ऐसे हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, शॉर्ट एक संक्षिप्त शब्द है जिसके प्रत्येक अक्षर का एक अपना अर्थ है। इंग्लिश मीडियम, आई होप यू गाइस कैन राइट, हाँ आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि शॉर्ट एक संक्षिप्त शब्द है। शॉर्ट इज अ शॉर्ट या ब्रीफ वर्ड विच एवरी लेटर हैज इट्स ऑन मीनिंग। शॉर्ट एस स्टैंड फॉर शक्ति, कमजोरी, अवसर और समस्याओं से मिलकर बना है। मतलब दिस शॉर्ट हैज बीन मेड ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स। शॉर्ट विश्लेषण शक्ति, कमजोरी, अवसर, संघर्ष की सूची है जो विद्यालय प्रबंधन में सुधार करने में सहायक होता है। क्या कह सकते हैं, कह सकते हो कि जो शॉर्ट है दोस्तों, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स का एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें स्कूल मैनेजमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है स्कूल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से आप ऐसे बना के लिखेंगे। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, सो यू गाइस कैन ट्रांसलेट इट, हिंदी मीडियम वाले लिखो, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ कभी कभी इंग्लिश बोलने की। हाँ हाँ चलो देखो, स्ट्रेंथ को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। विद्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले कारक सकारात्मक प्रभाव वाली शक्तियाँ होती हैं, जो भी आपके पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, जो भी सकारात्मक प्रभाव आपके स्कूल में करते हैं वो आपके स्ट्रेंथ हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, विद्यालय में शक्तियों का मतलब उसको सुचारू रूप से चलाने वाले घटक, जो चीज़ें स्कूल को सही चलाती है। जैसे मान लीजिए आपका मैनेजमेंट सही है और जो निर्माण करने वाले वो सही हैं, धन की व्यवस्था सही है, टीचर सही हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई। विद्यालय का संचालन करने में प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति ही यह निर्धारण करती है कि विद्यालय का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो यह आपका स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा कि हमारी ये शक्तियाँ। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरी को देखिए इस कॉलेज में, विद्यालय में विद्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले कारकों का नकारात्मक प्रभाव विद्यालय की कमजोरियां हो जाए। जो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके स्कूल पे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा कि स्कूल में बच्चों की कमी होना, पैसे का बंदोबस्त ना हो पाना, टीचरों की कमी होना, फर्नीचर्स ना रहना, तो ये आपकी नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, ऐसे बाहरी कारक जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने या उसके अधिक होने पर सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना या अवसर देते हैं। विद्यालय के बाहर की जैसे बच्चों का जॉब, बच्चों की ट्रिप, बच्चों की टूर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके कॉलेज को और बेहतर बना सकती है। नेगेटिव, ऐसे बाहरी कारक या परिस्थिति जो विद्यालय उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधित बनते हैं, जो एक रोड़ा यानी कि एक बाधा बनते हैं आपके विद्यालय को अच्छा बनने में, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में, तो वो हो जाएंगे दोस्तों बाहरी। तो इसी जब सबको आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, उसके बाद क्या करना है, अपने वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है, उसको मजबूत, उसको नहीं छोड़ना है, वीकनेस को सुधार करना है और अवसर्स और थ्रेड के बारे में भी आपको जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, राइट। तो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। कुछ और पॉइंट देख लीजिए वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि शॉर्ट विश्लेषण की आवश्यकता अगर आपसे पूछता है तो इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो भाई सबसे पहले ये है कि जो भी आपके टीचर हैं, कौन कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, अति कुशल जो शिक्षक है उनके बारे में आप जानकारी विश्लेषण कर पाएंगे। विद्यालय के सफलता, जैसे विद्यालय किन कारणों पर सफल रहा, किन कारणों पर असफल हो सकता है, इसकी आपको सूचना मिल जाती है। शिक्षक अभिभावक पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शॉर्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मतलब आप पेरेंट्स से भी बताएंगे कि सर ऐसा है कि हमारे स्कूल से ये एफर्ट दिया जा रहा है, बच्चे में यहाँ कमी आ रही है, थोड़ा आप अपने घर से ये देखिए। तो इस तरीके का क्या है, फ़ायदा होता है, ठीक है, यही क्या है भाई, आवश्यकता होती है शॉर्ट एनालिसिस की। विद्यालय प्रबंधन की सफलता के कारणों को समझना एवं उनके निवारण को शॉर्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सक्रिय शैक्षिक समिति की योजना बनाने तथा कार्य को व्यवस्थित करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस की जरूरत होती है। सक्रिय शैक्षिक समिति मतलब एक्टिव एजुकेशन कमेटी, ठीक है, को आप बनाइए ताकि स्कूल में अच्छा काम करे, सारी चीज़ें, इसलिए स्वेट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसे आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ और पॉइंट देखेंगे, शिक्षक तथा छात्र को लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने में स्वेट एनालिसिस अगर आप करेंगे कि देखिए कुछ बच्चा ऐसा है जो टाइम से इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत दूर से आता है, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस फ्लेक्सिबल रहेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम से आ जाओ। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी टीचर है जो आपके स्कूल में पढ़ाती हैं, फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि वो टाइम से नहीं आ सकती,
तो आप जरूर नहीं कि 9:30 बजे आप इसका स्कूल ओपन हो रहा है तो आपने पहले ही लेक्चर उनको दे दिया कि नहीं आपका 9:30 बजे। ऐसा अगर आप 9:30 बजे नहीं आ पाती हैं तो फर्स्ट लेक्चर आपका जो काम रहेगा वो रहेगा, आप सेकंड लेक्चर से शुरू करिए। मे बी शी इज़ अ प्रेगनेंट, मे बी उसके घर में उसके हस्बैंड बीमार हो, मे बी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है घर की, तो आपको इतना फ्लेक्सिबल रहेगा, इसीलिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। छात्र शिक्षक एवं अन्य सदस्यों की समस्याओं पर विचार करने के लिए शॉर्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विद्यालय परिणामों को बढ़ाने के लिए भी शॉर्ट एनालिसिस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिजल्ट बेहतर कर सकें। विद्यालय की वास्तविक स्थिति को आकलन, रियलिटी आप जान जाएंगे अपने स्कूल की। विद्यालय प्रबंधन में सुधार के लिए तथा अवसरों को पहचान करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस की जरूरत होती है, शॉर्ट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट देख लेंगे इसकी कुछ लाभ। लाभ में भी यही चीज़ें होंगी, जैसे कि रणनीति बनाना, योजनाओं का चयन करना, विद्यालय को सशक्त बनाना, शक्ति बनाना, मजबूत बनाना, विद्यालय को कमियों को दूर करना, उपलब्धि एवं प्रगति के अवसर में बढ़ोतरी करना, विद्यालय की समस्याओं एवं संकट का निवारण करना और प्रबंधन की रणनीति सुनिश्चित करने में सहयोग करना। प्रबंधन का वर्तमान, भूतकाल, भविष्य जानने में सहयोग करता है कि कैसे आप प्रबंधन में, मैनेजमेंट में आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज गोना बी द लास्ट लिमिट, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट लिमिट क्या है भाई, कुछ देखिए कुछ सीमाएं होती हैं शॉर्ट एनालिसिस की, उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर आपसे शॉर्ट एनालिसिस पूछेगा तो इस पॉइंट को आप डाल के लिख देंगे, आपका बड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा। टीचर कहेगा, जब इन शब्दों को आप इस्तेमाल करेंगे, टीचर कहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। देखिए, खत्म होने से पहले मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है या ये जो बीएड का सिलेबस है, इसमें कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। आप खुद से लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, खुद से लिख सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। बट ये है कि आप एक बार शब्दों को जाने रहेंगे, सुने रहेंगे, तो समझ आ जाएगा कि भैया हमें एग्जाम में ये लिखना है, आपके दिमाग में रहेगा कि हम इसको लिखेंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने शब्दों में बता दूं कि समझ जाएंगे तो आप एग्जाम में लिख लेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, एक बार देख लेंगे तो बस एग्जाम में लिख जाएंगे। इसीलिए आप एक काम करिए, देखते हुए रहिए, बस देख लेंगे, बस काम खत्म। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि जुड़े रहिए चैनल से, मतलब जुड़े रहिए। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि देखो पहले मैंने माहौल बनाया, फिर कह रहा कि सब्सक्राइबर मांगेगा कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, शुरू में देखो मेरे में और दूसरे यूट्यूब में फ़र्क है कि मैं सबसे लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैं सही कंटेंट दे पा रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय। इसलिए क्या होगा ना, मुझे भी तो फीडबैक मिलेगा। मैं मेहनत किए जा रहा हूँ और पता चले आपको समझ भी नहीं आ रहा है या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो चाहे आपका नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी बता दीजिए कि भाई रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई तुझसे ना हो पाएगा। बाकी अगर समझ आ रही हो तो ये भी बोल सकते हैं, कीप इट अप, यू आर डूइंग गुड, मतलब जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी आपके शब्द है ना, बोला करिए, कमेंट में बोला करिए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द शॉर्ट एनालिसिस। सीमाएं क्या है शॉर्ट एनालिसिस की? अपर्याप्त अनुशासन, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं शॉर्ट एनालिसिस से बाधित करती हैं। अपर्याप्त अनुसंधान मतलब हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हमने देखा कि हमारे कॉलेज में बेंच की कमी है, टीचर की कमी, कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास सोर्सेस ही नहीं कि हम उसको फुलफिल करें, तो यहाँ पे फिर मतलब नहीं रह जाएगा शॉर्ट एनालिसिस का। यह व्यक्ति परक मतलब जैसे किसी को, मान लीजिए किसी की टीचिंग पसंद आई, किसी को ये मेथड, तो थोड़ा सा ये क्या है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली चीज़ होती है, ये लिमिटेशंस है। कुशल सदस्यों के अभाव में विश्लेषण विश्वसनीय नहीं हो पाता है। अगर आपके पास इतने अच्छे लोग नहीं है जो उस बात को तर्क से साबित कर सकें, तो फिर दोस्तों इतना भरोसा नहीं होता उस शॉर्ट एनालिसिस पे। इस विश्लेषण के समय एवं धन दोनों की आवश्यकता होती है, एक दिन में हो नहीं पाएगा, अच्छा खासा टाइम चाहिए आपको। शॉर्ट विश्लेषण कुछ पक्षों पर ही जोर देता है लेकिन यह नहीं बताता कि इसकी पहचान कैसे की जाए। पढ़ाई अच्छी करनी है लेकिन उसकी पैरामीटर क्या है वो फिक्स नहीं हो पाता। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का निदान इस विश्लेषण से नहीं किया जा सकता। सो ये हो गई कुछ लिमिटेशंस, आप इसको लिख लीजिएगा। बस ख़त्म, छोड़ रहा हूँ। आपको हो गया कि पका देता है, फंसा देता है, ऐसा नहीं है। देखो ना, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और एक और खास रिक्वेस्ट है, खास पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी बीएड के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, ये तीन वीडियोस जो है ना, एक यूनिट कंप्लीट होती है और यहाँ से आपको दो सवाल डेफिनेटली मिलेंगे। तो इन तीनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दो इससे पहले हमने देखा था, स्कूल प्रबंधन, मैनेजमेंट स्कूल, और दूसरा था क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसको हम कक्षा कक्ष प्रबंधन कहते हैं, और तीसरा ये था शॉर्ट एनालिसिस। ये कंप्लीट आपका एक यूनिट हो गया। ठीक है, खत्म हो गया एक यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट को देखेंगे। इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। आई विश कि आपका बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आए इस बार पीएड में। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए चैनल से, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, पसंद आई वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देना ना भूलें, मुझे कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके सेकंड यूनिट के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।